भारतीय किसान यूनियन द्वारा पूर्व घोषित न्याय यात्रा के चलते आज करनाल की पुरानी अनाज मंडी से बड़ी संख्या में किसान न्याय यात्रा के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी इस किसान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली के साथ किसान मौजूद रहे। इस दौरान कृषि कानूनों को रद्द करने की पुरजोर मांग उठाई गई। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा सीएम सिटी से आज एक विशाल किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें स्थानीय किसान नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि यह किसान यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी और रास्ते में किसानों, दुकानदारों और मजदूरों को जागरूक करते हुए बताएगी कि यह 3 नए कृषि कानून हर वर्ग के लिए घातक है, इसीलिए हर वर्ग को किसानों के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए जिससे कि यह किसान न्याय यात्रा सफल हो सके। इस किसान यात्रा में किसान नेता रतन मान व भूपेंद्र सिंह के अलावा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। गौरतलब है कि दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार उनकी बातें मान नहीं रही है, जिसके चलते पूरे देश में जगह जगह पर किसान आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज करनाल में यह किसान न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने शामिल होकर एक संदेश दिया कि यह जो कृषि के क्षेत्र में 3 काले कानून लाए गए हैं, यह हर वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसीलिए हर वर्ग को किसान के मंच पर आकर आंदोलन में शामिल होना चाहिए और सरकार को 3 कृषि कानून रद्द करने चाहिए। यह किसान यात्रा पुरानी अनाज मंडी से शुरू होकर नवल्टी रोड, रेलवे रोड, बस स्टैंड, हॉस्पिटल चौक, कुंजपुरा रोड से होती हुई किसानों को जागरूक करते हुए आगे की ओर रवाना हुई। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान न्याय यात्रा निकाली गई है, जो आज करनाल से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अन्य स्थानों पर भी जाएगी और कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों का विरोध इस न्याय यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज किसानों को विपक्ष की भूमिका भी निभानी पड़ रही है, क्योंकि विपक्ष में जो भी नेता सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार दुरुपयोग करके सीबीआई का, ईडी का उनके ऊपर केस बनाकर और जेल भेजने का काम कर रही है। यही सरकार बीजेपी की, पहले महंगाई जब होती थी तो नंगे होकर प्रदर्शन करते थे, सब कुछ नशा, सत्ता के नशे में सब कुछ भूल गए हैं। ये इनको याद कराने के लिए किसान मजदूर न्याय यात्रा किसान निकाल रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में जाएगी। जब तक केंद्र की सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, रद्द नहीं करती, तब तक संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। हाँ जी, हमारी जो ये आज न्याय रैली निकल रही है ट्रैक्टरों के साथ, कम से कम हजारों की तादाद में हमारे ट्रैक्टर हमारे साथ हैं और हम ये किसान रैली निकाल रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं उनको, जो हमारी मांगे हैं उनको अभी तक सरकार जो है पूरा करने की उसमें नहीं है। थैंक यू। और मैं ये सोच रही हूँ कि आज हम जो हमारा संगठन इकट्ठा होकर चल रहा है, ये पूरे सीएम सिटी में चक्कर लगा के छोटू राम के यहाँ पे रुकने का इरादा है और उसके बाद हमारी जो है ना सारे प्रदेश में ये रैली चलती रहेगी, ट्रैक्टर रैली। जब तक हमारा धरना बंद नहीं होगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बजट को लेके भी हमारा जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, बहुत परेशान है। ये जो भी काम कर रहे हैं, तानाशाही वाला काम कर रहे हैं, दादागिरी वाला काम कर रहे हैं, किसी किसान से पूछ रहे हैं ना किसी मजदूर से पूछ रहे हैं। किसान के बिना मजदूर नहीं है और मजदूर के बिना किसान नहीं है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कमेटी चौक से, भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज हरियाणा किसान मजदूर न्याय यात्रा निकालने का जो ऐलान किया गया था उसी के चलते आज यहाँ पर ये आज किस विरोध में निकालने जा रही है? ये आज एक सीएम सिटी में कर्ण की भूमि पर किसान मजदूर न्याय यात्रा आज पूरे प्रदेश के लिए शुरू की गई है, प्रदेश भर में जाएगी और इसमें मुख्य मुद्दा 3 काले कानून के अलावा जो भाजपा ने इतनी महंगाई बढ़ा दी, जो तेल, गैस, खाद्य पदार्थ आज हर आदमी तराई तराई करे हुआ है, आज उसका भी किसान बैनर लेकर के, पटिया लेकर के भाजपा सरकार के खिलाफ ये विरोध कर रहे हैं कि महंगाई को कम करो। और ये यात्रा पूरे प्रदेश में विभिन्न चरणों में जाएगी और
ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक